नमस्ते, वेलकम टू सुनीताज किचन। हम बनाने जा रहे हैं रास्पबेरी कुकीज। ये बनते भी बहुत फटाफट है और खाने में भी बहुत टेस्टी है और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलो तो बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप घी, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, चुटकी भर नमक, डेकोरेशन के लिए चेरी पिंक फूड कलर और रास्पबेरी एसेंस। चलो तो अभी हम शुरू करते हैं। मैदा छान के लेंगे और उसमें बेकिंग पाउडर और नमक भी ऐड कर लेंगे। अभी मैदा हमने 2 बार छान लिया है। अभी हम शक्कर भी छान के लेंगे और अभी इसमें आधा टीस्पून एसेंस डालेंगे, रास्पबेरी एसेंस डालेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट होने तक मिक्स करेंगे। फूड कलर भी ऐड कर दिया है। इतना हल्का होने तक हमें फेंटना है इसे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा अभी कुकीज़ का आटा रेडी है। अच्छे से मसल के डो बना लिया है। अभी हम हाथों पे इसके ओवल शेप के कुकीज़ बनाएंगे। और फोक से प्रेस करके एक चीरी डेकोरेशन के लिए लगाएंगे। हमारे कुकीज़ अब रेडी है। हम माइक्रोवेव में 1 से 1.5 मिनट तक बेक करेंगे इसे। अगर माइक्रोवेव नहीं हो तो हम इसे गैस पे कढ़ाई में कुकर में भी बना सकते हैं। ये कुकीज़ बनके रेडी है और अंदर से भी बहुत अच्छे से बेक हुई है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी और अच्छी है।